हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल मैगजोन पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टर्न पे हम लोगों ने अपना वेल्डिंग शुरू किया था और फर्स्ट मॉड्यूल उसका हम लोगों ने कवर कर लिया था। और लास्ट टर्न पे हम लोग पढ़ रहे थे अपना आर्क वेल्डिंग। ठीक है, आर्क वेल्डिंग से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और यहाँ मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बता देता हूँ आर्क वेल्डिंग में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए, आर्क वेल्डिंग में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब भी हमारा एक इलेक्ट्रोड, मतलब दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में आर्क का जनरेशन कब होने वाला है। तो मान लीजिए ये मेरा एक इलेक्ट्रोड था, ठीक है, ये वेल्डिंग मेरा इलेक्ट्रोड है, ये मेरा वर्क पीस हो गया। ठीक है, ये मेरा वर्क पीस है, ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रोड है, दिस इज माई इलेक्ट्रोड। और ये कैसा है मेरा, मान लीजिए इन दोनों में से एक को हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, एक को हमने नेगेटिवली चार्ज बना दिया, मतलब ये मेरा कैसा हो गया, ये हो गया मेरा एनोड, ये हो गया मेरा कैथोड। ऑलराइट, और इन दोनों के बीच में मैंने क्या लगा दी, एक पावर सप्लाई। इन दोनों के बीच में मैंने क्या लगा दिया, एक पावर सप्लाई। और इन दोनों को मोमेंटली थोड़ा सा टच करवाया, ठीक है, इन दोनों को मोमेंटली हमने उन्हें थोड़ा सा टच करवाया। टच करवाने के बाद हमने इसको रिमूव करा दिया, थोड़ा सा इसको सेपरेशन कर दिया। और कितना सेपरेशन था, लगभग 2 to 4 mm, ठीक है, लगभग 2 to 4 mm का सेपरेशन था। तो हम यहां पर देखेंगे कि जो भी यहां पर हमारी गैसेस थी, ठीक है, यहां पर जो भी हमारे गैस के पार्टिकल्स थे वो आयोनाइज हो जाएंगे, और आयोनाइज होने के बाद वो क्या बना देंगे, हमारा प्लाज्मा बना देंगे। ठीक है, और प्लाज्मा बना देंगे, और उसके बाद यहां पर क्या शुरू हो जाएगा, आर्क शुरू हो जाएगी, यहां पर एक आर्क डेवलप हो जाएगी। और वो आर्क क्यों डेवलप होगी, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां हमारे मूव करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। सो इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे मूव कर रहे हैं, ये बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी से मूव करेंगे। क्यों हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, बिकॉज वी आर अप्लाइंग अ वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे विल हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, एंड इसी हाई काइनेटिक एनर्जी से दे विल ट्रेवल फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल। और जब यहां जाकर वो स्ट्राइक करेंगे, तो यहां पर वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी को शेड कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहां पर जो अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो जाएगी, वो हो जाएगी 2/3 H। तो मान लीजिए टोटल हीट विच इज जनरेटेड कितनी है, H, तो यहां पर हो जाएगी 2/3 H, और यहां पर कितनी हो जाएगी, 1/3 H। ऑलराइट, यहां पर 1/3 H, यहां पर हो जाएगी हमारी 2/3 H। और फिर हमें बहुत ज्यादा, क्योंकि यहां पर ज्यादा हीट जनरेट होगी, तो इलेक्ट्रोड हमारा बहुत तेजी से मेल्ट होगा। तो इलेक्ट्रोड हमारा बहुत तेजी से अगर मेल्ट होगा, तो यहां पर हमें क्या ज्यादा मिलेगा, यहां मिलेगा हाई डेपोजिशन रेट, हाई डेपोजिशन रेट, ठीक है, यहां पर हमें मिलेगा हाई डेपोजिशन रेट। और अगर हम लोग रिवर्स पोलैरिटी कर दें, मतलब ये एक्चुअली रिवर्स पोलैरिटी, इसको कहते हैं रिवर्स पोलैरिटी, तो और दूसरा होता है स्ट्रेट पोलैरिटी, दूसरा होता है हमारा स्ट्रेट पोलैरिटी, ठीक है। तो स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या हो जाएगा, यहां हमारा ये कैथोड बना देंगे, इसे हम लोग एनोड बना देंगे। तो जब ये कैथोड हो जाएगा, एंड दिस विल बी एनोड, सो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड एट द वर्क पीस। तो वहां पर क्या होगा, वर्क पीस पर हमारा कितनी हीट हो जाएगी, 2/3 H, और इलेक्ट्रोड पे हमारी कितनी हीट हो जाएगी, 1/3 H, ठीक है, ये हो जाएगी 1/3 H, ये हो जाएगी 2/3 H। और इस केस में क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड एट द वर्क पीस, सो वी विल हैव मोर पेनेट्रेशन, वी विल हैव मोर पेनेट्रेशन, ठीक है, यहां पर पेनेट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग स्ट्रेट पोलैरिटी यूज कर रहे हैं कि रिवर्स पोलैरिटी यूज कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा था, अगर हम लोग डीसी करंट यूज करेंगे, इफ वी आर यूजिंग द डीसी करंट, तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट का कंसेंट्रेशन करा सकते हैं। तो डीसी करंट से क्या हो जाएगा, वी विल बी मेनली अचीविंग द हीट कंसेंट्रेशन। हीट कंसेंट्रेशन मतलब हीट या तो यहां पर कंसेंट्रेट हो जाएगी, या तो हमारी हीट यहां पे कंसेंट्रेट हो जाएगी, ठीक है, तो दोनों जगहों में से एक जगह पर हीट हमारी कंसेंट्रेटेड होगी। लेकिन एसी अगर हम लोग यूज कर लेते हैं, तो एसी के साथ दिक्कत क्या है, देयर विल बी ए यूनिफॉर्म हीटिंग
ऑफ द इलेक्ट्रोड एज वेल ऑफ द वर्कपीस. वर्कपीस और इलेक्ट्रोड दोनों की हमारी यूनिफॉर्म हीटिंग होने लगेगी, तो ना हमें एक अप्रिशिएबल डेपोजिशन रेट मिल पाएगा और ना ही हमें अप्रिशिएबल पेनेट्रेशन मिल पाएगा. ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डीसी वेल्डिंग इज प्रिफर्ड हियर, मतलब डीसी करंट को प्रिफर करते हैं आर्क वेल्डिंग के केस में. ऑलराइट, और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स हमारा स्ट्राइक करेगा, जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, वहां पर हमारी ज्यादा हीट जनरेट होगी, और जहां पर हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा वहां पर हमारी हीट कम जनरेट हो जाएगी. तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे. इसमें दो पोलैरिटीज को हम लोगों ने देखा, एक स्ट्रेट पोलैरिटी और एक रिवर्स पोलैरिटी. ऑलराइट, तो ये है हमारा एक सिंपल सा आर्क वेल्डिंग जो हम लोग ने लास्ट टर्म पे पढ़ा था. अब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे आर्क वेल्डिंग के इक्विपमेंट्स के बारे में. अब हम लोग पढ़ेंगे आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट्स. ऑलराइट, आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है, आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट्स के बारे में. हमारा सिलेबस बिल्कुल एज इट इज चलेगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे एक ए टू जेड सारे टॉपिक्स हम लोग सिलेबस से चला रहे हैं. ठीक है, सबसे पहला होगा इसमें एसी और डीसी मशीन. यहां पर होगा एसी और डीसी मशीन, मतलब हमारा जो पावर सोर्स होगा या तो वो हमारा एसी करंट सप्लाई करेगा या तो वो हमारा डीसी करंट सप्लाई करेगा. दूसरा होगा इसमें एक इलेक्ट्रोड, ठीक है, दूसरा होगा हमारा इलेक्ट्रोड. ठीक है, तो अगर हम इसमें रिवर्स पोलैरिटी लगा देंगे तो इलेक्ट्रोड मेल्ट करेगा तेजी से, तो वहां पर हमें फास्टर डिपोजिशन रेट मिल जाएगा. और अगर हम स्ट्रेट पोलैरिटी लगा देंगे तो यहां पर क्या होगा, हमारा वर्कपीस में ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगी. ठीक है, अगला है इलेक्ट्रोड होल्डर, ये इसी में लिख देते हैं इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड होल्डर. ठीक है, इलेक्ट्रोड को होल्ड करने वाला भी एक हमें होल्डर चाहिए होगा. थर्ड पार्ट देखिए हमारा क्या है, केबल्स एंड कनेक्टर. केबल्स होंगे आपके एंड कनेक्टर्स, ठीक है, केबल्स एंड कनेक्टर्स. तो ये सब आपके क्या है, ये सब आपके केबल्स हैं, और कनेक्टर्स से आपके जो बाकी के इक्विपमेंट्स हैं आपस में वो कनेक्ट किए जाएंगे. फिर एक होता है आपका चिपिंग हैमर. क्या होता है, एक आपका चिपिंग हैमर. तो चिपिंग हैमर का काम क्या है, मेनली हैमर का काम क्या होता है, ठोकना पीटना. तो कुछ मान लीजिए सरफेस पे स्पैटरिंग आ गई, उसको ठोक पीट के हम लोग सही कर देंगे, तो चिपिंग हैमर हो गया हमारा. एक कंपोनेंट हो गया हमारा केबल प्लग, ठीक है, एक होती है हमारी केबल प्लग. ये सब क्या है, तारों को कनेक्शन का सही से जोड़ने के लिए केबल प्लग्स हो गई, केबल्स एंड कनेक्टर्स हो गए. नेक्स्ट हमारा हो गया यहां पे अर्थिंग क्लैंप्स. नेक्स्ट हो गया हमारा अर्थिंग क्लैंप्स. अर्थिंग क्यों लगाएंगे, अर्थिंग इसलिए लगाएंगे, मान लीजिए अगर बहुत हाई करंट फ्लो कर गया तो उसके कारण हमारा इक्विपमेंट कहीं खराब ना हो जाए, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वेरी एक्सेसिव करंट या बहुत हाई करंट को हम लोग अर्थ कर देते हैं पहले से ही. ठीक है, उसको कहते हैं अर्थिंग क्लैंप. अर्थिंग क्लैंप की मदद से हम लोग अर्थ कर देंगे. फिर वायर ब्रश. नेक्स्ट होता है वायर ब्रश. सरफेस साफ करने के लिए, सरफेस क्लीनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं वायर ब्रश. ठीक है, फिर आते हैं हमारे हेलमेट. ठीक है, आपको पता है कि वेल्डिंग से, ड्यूरिंग वेल्डिंग देयर विल बी द जनरेशन ऑफ हार्मफुल यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज निकलेंगी, इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेगा, हीट बहुत ज्यादा निकलेगी, स्मोक निकलेगा, स्पैटर चिंगारी निकलेगी, तो उसको रोकने के लिए क्या चाहिए, हेलमेट चाहिए. और फिर क्या होता है हमारा, सेफ्टी गॉगल्स. ठीक है, सेफ्टी गॉगल्स, चश्मा लगाना पड़ता है. ठीक है, वी हैव टू यूज अ चश्मा ऑल्सो, ताकि जो भी चिंगारी निकल रही है, जो भी अगर उसमें से कुछ भी निकलता है मटीरियल, तो उससे हमारी आईज प्रोटेक्ट हो सके. सेफ्टी गॉगल के बाद हैंड ग्लव्स. ठीक है, दसवां हो गया ग्लव्स. तो ग्लव्स हो गया, और लास्ट हो गया यहां पे एपरन्स एंड स्लीव्स. एपरन्स, एपरन्स का मतलब होता है स्पेशली डिजाइंड एक सूट होता है जिसको पहनकर वेल्डिंग करी जाती है, एपरन्स एंड स्लीव्स. वैसे ये सब फिरंगियों के चोचले हैं, हिंदुस्तानी लोग इतना एपरन पैपरन नहीं पहनते हैं. ठीक है, वो लोग तो पैंट शर्ट में ही वेल्डिंग कर लेंगे. तो ये जो हो गए मेनली हमारे हेलमेट, और ये होते हैं मेनली हमारे ऑपरेटर के लिए. ठीक है, ये मेनली होंगे हमारे ऑपरेटर के लिए. और दोस्तों, इस वीडियो का भी लाइक टारगेट में रख रहा हूं 300 लाइक्स, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे पूरा जरूर करोगे. तो जैसे पहले वाले को भी आपने पूरा करना था, इस वाले वीडियो को भी आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा. मिनिमम 300 लाइक्स का टारगेट मैंने यहां पर रखा हुआ है. तो ये हो गए हमारे सारे कॉम्पोनेंट जो कि हम लोग वेल्डिंग में यूज करेंगे. ठीक है, तो ये हो गए हमारे आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट्स के लिए. अब यहां पर क्या है, ये जो है हमारे हेलमेट हो गया, सेफ्टी गॉगल्स, ग्लव्स, एप्रन्स और स्लीव्स,
ये हमारे मेनली है ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में, और बाकी के जो है बाकी के जो जो बच गए ये मेनली हमारे इक्विपमेंट्स के रिस्पेक्ट में है कि हम लोग इक्विपमेंट्स में क्या क्या चीजें यूज करेंगे, केबल्स कनेक्टर हो गया, हैमर हो गया, प्लग हो गया, तो ये सारी चीजें हो गई। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग टेक्निक। ठीक है, आर्क वेल्डिंग की दो हम लोग को मेनली टेक्निक्स यहाँ पर डिस्कस करनी है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग टेक्निक्स। ऑलराइट, तो हम लोग को यहाँ पर अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग। ठीक है, आर्क वेल्डिंग के टाइप्स पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, ऑटोमैटिक वेल्डिंग टेक्निक। सबसे पहले क्या होगा, ऑटोमैटिक वेल्डिंग टेक्निक। ठीक है, ऑटोमैटिक वेल्डिंग टेक्निक। ऑटोमैटिक वेल्डिंग टेक्निक का मतलब क्या है, ऑटोमैटिक वेल्डिंग टेक्निक में हमारा जो मूवमेंट होगा इलेक्ट्रोड का, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड इज ऑटोमैटिकली कंट्रोल्ड। ठीक है, यहां पर मेनली क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड, जो हमारे इलेक्ट्रोड का मूवमेंट है इज ऑटोमैटिकली कंट्रोल्ड, ऑटोमैटिकली कंट्रोल्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड का जो मूवमेंट है वो कई तरीकों से हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड का मूवमेंट कैसे हो सकता है, लीनियर मूवमेंट होता है। लीनियर का मूवमेंट मतलब होता है लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है। ठीक है, लीनियर मूवमेंट लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो लीनियर में हमारे दो टाइप्स के मूवमेंट आ गए। ठीक है, तो लीनियर में हमारे मेनली दो टाइप्स के मूवमेंट आ गए, एक लेफ्ट टू राइट और दूसरा क्या है, टॉप टू बॉटम। तो जो भी मूवमेंट होगा, चाहे वो लेफ्ट से राइट हो, चाहे वो टॉप से बॉटम हो, इट विल बी कंट्रोल्ड ऑटोमैटिकली। इसलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं, ऑटोमैटिक वेल्डिंग। ठीक है, ऑटोमैटिक वेल्डिंग टेक्निक। और दूसरा क्या होता है, सेकंड वन इज सेमी ऑटोमैटिक, सेमी ऑटोमैटिक वेल्डिंग टेक्निक, सेमी ऑटोमैटिक वेल्डिंग टेक्निक। तो सेमी का मतलब होता है, सेमी का मतलब होता है हाफ। ठीक है, तो हाफ का मतलब क्या होगा, कुछ मूवमेंट तो हमारी ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड होंगी लेकिन कुछ मूवमेंट्स हमारी यहां पर मैनुअली कंट्रोल्ड होंगी, मतलब एक ऑपरेटर भी आपको रखना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लिखूं, हाफ वर्क डन ऑटोमैटिकली। ठीक है, आधा काम तो यहां पर क्या होगा, ऑटोमैटिकली किया जाएगा और रिमेनिंग हाफ वर्क इज डन बाय द मैनुअल ऑपरेटर। ठीक है, यहां पर एक मैनुअल ऑपरेटर आपको रखना पड़ेगा जो बाकी का काम करेगा। तो इलेक्ट्रोड की जो मूवमेंट है वो मैनुअली भी कंट्रोल की जा सकती है, वो हमारा ऑटोमेटिकली भी हम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोगों ने यहां पर अपने इसको डिवाइड किया है, ऑटोमैटिक वेल्डिंग टेक्निक और दूसरा क्या है, सेमी ऑटोमैटिक वेल्डिंग टेक्निक। तो दो टाइप की वेल्डिंग टेक्निक्स हो गई यहां पर। ऑलराइट, तो ये हो गई हमारी ऑटोमैटिक वेल्डिंग टेक्निक और ये हो गई हमारी सेमी ऑटोमैटिक वेल्डिंग टेक्निक। नेक्स्ट यहां पर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग मशीन्स। एक यहां पर है मशीन्स के भी कुछ टाइप्स होंगे, तो मेनली यहां पर दो टाइप्स की वेल्डिंग मशीन्स को हम लोग को डिस्कस करना है। एक है कॉन्स्टेंट करंट टाइप, एक होगी हमारी कॉन्स्टेंट करंट टाइप, ठीक, और दूसरी होगी हमारी कॉन्स्टेंट वोल्टेज टाइप। ठीक है, दूसरी होगी हमारी कॉन्स्टेंट वोल्टेज टाइप। तो कॉन्स्टेंट करंट टाइप एक हो जाएगी और एक होगी हमारी कॉन्स्टेंट वोल्टेज टाइप। तो कॉन्स्टेंट करंट टाइप की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टेंट करंट टाइप। तो कॉन्स्टेंट करंट टाइप में क्या अलग होगा जो हमारे कॉन्स्टेंट वोल्टेज में नहीं होगा। तो कॉन्स्टेंट करंट की बात करें, अगर यहां पर आर्क वोल्टेज में हम लोग बहुत थोड़ा सा चेंज लाते हैं तो उसकी वजह से हमारे करंट में भी एक बहुत थोड़ा सा चेंज आएगा। तो क्या लिखूं यहां पर, स्मॉल चेंज इन आर्क वोल्टेज, स्मॉल चेंज इन आर्क वोल्टेज, इसके कारण क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन करंट, स्मॉल चेंज इन करंट। ठीक है,
तो आर्क वोल्टेज में अगर हम एक छोटा सा चेंज लाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक छोटा ही चेंज आएगा हमारे करंट में, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा कांस्टेंट करंट टाइप मशीन होती है। और ये कहां पर यूज करेंगे, ये हमारी मेनली यूज होती है मैनुअल आर्क वेल्डिंग में। इट इज यूज इन मैनुअल आर्क वेल्डिंग। मैनुअल का मतलब है जहां पर आपको एक ह्यूमन ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, ये वहां पर हम लोग डिवाइस ऐसा यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, कांस्टेंट वोल्टेज टाइप। कांस्टेंट वोल्टेज टाइप, तो कांस्टेंट वोल्टेज में क्या होगा, कांस्टेंट वोल्टेज में अगर आप आर्क वोल्टेज को थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो उसके कारण आपका जो करंट में चेंज आएगा वो काफी ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, नोट करने वाली बात है कि अ स्मॉल चेंज इन आर्क वोल्टेज लीड्स टू अ कंसिडरेबल चेंज इन करंट, ठीक है। तो अगर यहां पर थोड़ा सा भी हम लोगों ने चेंज किया तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो करंट होगा उसमें काफी कंसिडरेबल चेंज आ जाएगा। और ये कहां पर यूज होगी, ये यूज होगी हमारी ऑटोमैटिक मशीन्स में, ठीक है। ये हमारी यूज होगी ऑटोमैटिक वेल्डिंग मशीन में, ये हमारा यहां पर यूज हो जाएगा। अब देखते हैं दोनों का ग्राफ कैसा होने वाला है। तो अगर हम लोग यहां पर ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो अगर हम कांस्टेंट करंट इसका ग्राफ बनाएं, कांस्टेंट करंट टाइप का ग्राफ बनाएं, तो वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, वोल्टेज, यहां लेंगे वोल्टेज, यहां लेंगे करंट। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस टाइप का हमें ग्राफ यहां पर ऑब्टेन हो जाएगा। इसे कहते हैं ड्रूपिंग ग्राफ, इसे कहते हैं ड्रूपिंग ग्राफ, ठीक है, ड्रूपिंग ग्राफ कहते हैं। और अगर यहां पर आर्क वोल्टेज में थोड़ा सा चेंज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट पे भी हमारा क्या आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा वोल्टेज है मान लीजिए V1, इसके करस्पॉन्डिंग करंट कितना है I1। फिर मान लीजिए हमने क्या किया, V2 हमारा यहां आ गया, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया मेरा I2, तो ये हो गया V2, तो ये कितना हो गया मेरा, ये है मेरा डेल्टा वी, चेंज इन द वोल्टेज, और ये कितना है मेरा डेल्टा आई, ये है मेरा चेंज इन द करंट। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि अगर हम वोल्टेज में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा थोड़ा सा ही क्या मिलेगा, करंट में भी चेंज हमें मिल जाएगा। अब देखते हैं कॉन्स्टेंट वोल्टेज टाइप ग्राफ, ठीक है, कॉन्स्टेंट वोल्टेज, तो वोल्टेज यहां हो गया, करंट यहां पर हो गया, तो ये ग्राफ हमारा कैसे हो जाएगा, ये ग्राफ लगभग हमारा इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाता है ये, ठीक है, ऑलमोस्ट यहां पर हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाता है। तो यहां से एक हमें इक्वेशन याद रखनी है, हालांकि बहुत ज्यादा सिलेबस में है नहीं, I/IS + V/V0 = 1, ठीक है। IS क्या है हमारा, IS है शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। V0 क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज, ये हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज। अब शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है और ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है, अब ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां पर ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं OCV। तो ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है आपका, ये आपका मैक्सिमम रेटेड वोल्टेज है जब आपका कोई भी लोड नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो उस केस में जो आर्क जनरेट करने के लिए हमें जितना वोल्टेज चाहिए होगा उसी को कह देंगे ओपन सर्किट वोल्टेज। तो मैं क्या लिख दूं, इट इज द मैक्सिमम रेटेड वोल्टेज रिक्वायर्ड टू डेवलप एन आर्क। एक आर्क को जनरेट करने के लिए जितना मैक्सिमम रेटेड वोल्टेज चाहिए वही हो गया ओपन सर्किट वोल्टेज, लेकिन अंडर नो लोड कंडीशन, मतलब कोई भी आपने रेजिस्टेंस नहीं लगाया है, करंट आपका ड्रॉ नहीं किया जा रहा,
तो उस केस में द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द आर्क, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। और यहां पर आर्क वेल्डिंग में इसकी वैल्यू कितनी होती है, इट लाइज बिटवीन 80 से 90 वोल्ट्स, ये मेनली हमारा 80 से 90 वोल्ट्स के बीच में हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहां पे शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट SSC। तो शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है, ये हमारा मैक्सिमम करंट है रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द आर्क जनरेशन, मैक्सिमम करंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द आर्क जेनरेशन। तो आर्क जेनरेशन के लिए हमें जो मैक्सिमम करंट की रिक्वायरमेंट होगी दैट विल बी कॉल्ड एज द शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड एज द शॉर्ट सर्किट करंट। अब हम एक और टर्म देखते हैं यहां पर, ड्यूटी साइकिल, एक टर्म देखेंगे ड्यूटी साइकिल। तो ड्यूटी साइकिल का मतलब है कि हमारा वो टाइम जिसमें आपकी आर्क हो रही है या आर्क हमारी ऑन है लेकिन हमारे वेल्डिंग मशीन के एलिमेंट्स जो है वो हीट अप नहीं हो रहे, तो इसको लिखेंगे इट इज द परसेंटेज टाइम फॉर द आर्क ऑपरेशन, फॉर द आर्क ऑपरेशन ड्यूरिंग ड्यू टू विच देयर इज नो हीटिंग, देयर इज नो हीटिंग ऑफ द वेल्डिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है, वेल्डिंग इक्विपमेंट्स की कोई भी हीटिंग जब नहीं होगी तो जितने टाइम के लिए हमारी आर्क वर्क कर रही है लेकिन हमारे इक्विपमेंट्स की ओवर हीटिंग नहीं, सॉरी हीटिंग लिख दिया मैंने यहां पर, ओवर हीटिंग होना चाहिए, ओवर हीटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, ड्यूटी साइकिल है जो हमारी, ड्यूटी साइकिल दिस इज इक्वल्स टू आर्क ऑन टाइम, मतलब कितने टाइम के लिए हमारी आर्क ऑन रही, डिवाइडेड बाय आर्क ऑन टाइम प्लस द आइडल टाइम। कुछ आइडल टाइम भी होगा जब हमारी काम तो नहीं हो रहा होगा लेकिन हमारी कुछ ना कुछ हीटिंग होगी, ठीक है। तो ये हो गया आर्क ऑन टाइम डिवाइडेड बाय आर्क ऑन टाइम प्लस द आइडल टाइम, ये हो गया हमारा क्या चीज, ड्यूटी साइकिल, ठीक है। तो ड्यूटी साइकिल हो गया हमारा रेशियो ऑफ आर्क ऑन टाइम अपॉन द टोटल टाइम, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस विल बी द टोटल, ठीक है, ये हो गया मेरा टोटल टाइम, ऑलराइट। तो ये तो था हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट। नेक्स्ट यहां पर जो हमारे सिलेबस में टॉपिक दिया है दैट इज इलेक्ट्रोड्स, ये है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज्ड फॉर वेल्डिंग, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज्ड फॉर वेल्डिंग। तो हमारे वेल्डिंग में मेनली दो टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं, फर्स्ट वन इज द कंज्यूमेबल, सेकेंड वन होता है नॉन कंज्यूमेबल। तो कंज्यूमेबल का मतलब जैसे हमने अपने आर्क में देखा था, अगर इलेक्ट्रोड में ज्यादा हीट हमारी जनरेट हो गई तो हमारा इलेक्ट्रोड पिघलने लगेगा तो उस केस में वो कंज्यूम हो गया। लेकिन मान लीजिए हमारी हीट जो है वो वर्कपीस पे ज्यादा जनरेट हो रही है या इलेक्ट्रोड पे बहुत कम हो रही है तो उस केस में हमारा इलेक्ट्रोड मेल्ट नहीं भी कर सकता है, तो वहां पर हम लोग क्या बनाएंगे, उसको कह देंगे नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स। तो सबसे पहला इसमें है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या होगा, दे विल वैनिश, ये खत्म हो जाएंगे हमारी वेल्डिंग के साथ ही, ठीक है। जनरली इसको किससे बनाते हैं, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स को हम लोग किससे बनाते हैं, नॉर्मली ये हम बनाएंगे कॉपर से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको चलिए अभी देखते हैं, दूसरा देखें पहले नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स। तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो है हमारे वो कंज्यूम नहीं होंगे रिएक्शन में या वेल्डिंग के दौरान, ये हमारे मेल्ट नहीं करने वाले, ठीक है, दे विल नॉट मेल्ट ड्यूरिंग दी वेल्डिंग। इसको हम लोग किससे बनाएंगे, जनरली कार्बन, ग्रेफाइट और टंगस्टन। इसको हम लोग किससे बनाते हैं, कार्बन से बनाते हैं,
ग्रेफाइट से बनाते हैं और टंगस्टन। टंगस्टन का क्योंकि आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग इसको नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की तरह यूज कर सकते हैं आर्क जनरेशन के लिए, ठीक है। तो टंगस्टन इज यूज टू मेक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स। अब कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स भी क्या है, हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स भी फिर से हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बेयर इलेक्ट्रोड, ठीक है, एक होता है बेयर इलेक्ट्रोड। बेयर का मतलब होता है उस पर कोई भी चीज की एडिशनल कोटिंग नहीं की जाती, इट इज नॉट कोटेड एक्सटर्नली, तो होता है बेयर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो बेयर इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है कि मेटालिक ग्लोब्यूल, ठीक है, एक जैसे कहते हैं कि मेटालिक ग्लोब्यूल पासिस, जब आपका क्या होगा इलेक्ट्रोड हीटअप होगा, मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये हीट हो रहा है और इसमें बहुत ज्यादा हीट है, तो ऐसा लगेगा जैसे बूंद बूंद मेटल टपक रहा होगा, तो उस बूंद को कहते हैं ग्लोब्यूल कहेंगे। तो यहां से क्या टपकेगा, मेटालिक ग्लोब्यूल्स, मेटालिक ग्लोब्यूल्स, ठीक है, बूंद बूंद करके आपका मेटल यहां से टपकने लगेगा, तो मेटालिक ग्लोब्यूल्स यहां से प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड से कहां पर जाएंगी, हमारे वर्कपीस में चली जाएंगी, ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रोड से वर्कपीस में चली जाएंगी। और क्योंकि मान लीजिए ये यहां पर मेरा वर्कपीस है और यहां मेरा इलेक्ट्रोड है, बीच में क्या है मेरा, बीच में हमारी है एटमॉस्फेरिक गैसेस, ठीक है, कौन कौन सी हो गई, फॉर एग्जांपल हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस क्या है, क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो यहां पर हमारी ऑक्सीजन हो गई और नाइट्रोजन हो गई। अब क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, द टेम्परेचर ऑफ दिस लिक्विड मेटल इज वेरी वेरी हाई, सो इट विल हैव अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये क्या कर लेंगी, हमारे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से रिएक्ट कर सकती हैं, ठीक है। अब रिएक्ट करेगा तो जब यहां पे जाके वेल्ड बीड बनाएगा, जब यहां पर जाकर ये वेल्ड बीड बनाएगा, तो ये गैसेस हमारी इस वेल्ड बीड के अंदर आ जाएंगी, ठीक है, दीज गैसेस विल डिफ्यूज इनटू द वेल्ड बीड, ठीक है, ये हमारी वेल्ड बीड में चली जाएंगी। और इसके कारण क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट विल डिक्रीज, क्या हो जाएगा, ये सब नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं, एंड दीज नॉन मेटालिक एलिमेंट्स क्या करेंगे, हमारे जो वेल्ड स्ट्रेंथ, जो वेल्ड की ज्वाइंट है उसकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है, स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देंगे। और क्या चीज को डिक्रीज कर देंगे, डक्टिलिटी को भी डिक्रीज कर देंगे, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये नॉन मेटालिक एलिमेंट है, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स की जो डक्टिलिटी है उसकी वजह से हमारा जो ज्वाइंट है उसकी डक्टिलिटी कम हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा बेयर इलेक्ट्रोड्स के बारे में, ठीक है। दूसरा है कोटेड इलेक्ट्रोड, दूसरा है कोटेड इलेक्ट्रोड, यहां पर दूसरा क्लासिफिकेशन है कोटेड इलेक्ट्रोड। तो कोटेड इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें तो कोटेड इलेक्ट्रोड फिर हमारा दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, कोटेड इलेक्ट्रोड भी हमारा दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एक है लाइट कोटेड, लाइट कोटेड मतलब थोड़ा सा कोटिंग की जाएगी, और कोटेड का मतलब है इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई दूसरा मटेरियल हम लोग कोट कर देंगे, ठीक है, एक है लाइट कोटेड, एक है हैवी कोटेड, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड और हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड हमारे हो गए दो डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स। तो यहां पर अगर लाइटली कोटेड की बात करें तो लाइटली कोटेड मेन जो यूज करते हैं ये यूज होता है आर्क स्टेबिलिटी के लिए, दिस इज मेनली यूज्ड फॉर आर्क स्टेबिलिटी, ठीक है, आर्क की स्टेबिलिटी के लिए यूज होता है हमारा लाइट इलेक्ट्रोड या लाइटली कोटेड इलेक्ट्रोड, ठीक है। और हेवीली कोटेड मेनली क्यों यूज करते हैं, टू ऑब्टेन अ हाई क्वालिटी वेल्ड, बहुत अच्छी क्वालिटी का वेल्ड ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, यहां पे हम लोग यूज कर लेंगे हेवीली कोटेड इलेक्ट्रोड, ठीक है, हेवीली कोटेड इलेक्ट्रोड यहां पर हम लोग यूज कर लेंगे। नेक्स्ट यहां पर देखिए हमें देखना है फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड, ठीक है, नेक्स्ट यहां पर हम लोग देखेंगे फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड्स।
तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ ही साथ पैरेलल में नोट्स भी बनाते चलेगा, ठीक है। और मुझसे बिल्कुल आशा मत करें कि पीडीएफ मिलेगा इसके लिए, क्योंकि थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। राइट, तो फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड, सबसे पहले देखते हैं फ्लक्स क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स हमारा कई सारे मेटल्स का या मटेरियल्स का मिक्सचर होगा, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। जब इसको हम हीट करेंगे, व्हेन इट इज हीटेड इट विल गिव आउट गैसेस, इसमें से क्या निकलेंगी, कुछ गैसेस हमारी निकलेंगी। ये एक्चुअली क्या है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ये हमारे मेटल्स का मिक्सचर है, जिसे जब आप हीट करेंगे तो इसमें से कुछ गैसेस निकलेंगी, मतलब जब ये डिकम्पोज होगा तो ये क्या होगा, हीट करने पे डिकम्पोज होगा और इसके डिकम्पोजिशन से गैसेस बाहर आ जाएंगी, ठीक है। और यही गैसेस आपकी क्या करेंगी, ये गैसेस आपकी जो वेल्ड है, ठीक है, वेल्ड को प्रोटेक्ट करेंगी। दीज गैसेस विल प्रोटेक्ट द वेल्ड, ठीक है। यही गैसेस हमारी वेल्ड के अराउंड क्या बना लेंगी, एक शील्डिंग एनवायरमेंट बना लेंगी, एक कवच बना लेंगी। दीज फॉर्म अ शील्ड, और यही शील्ड क्या करेगा, आपका वेल्ड को प्रोटेक्ट करेगा। तो किस चीज से प्रोटेक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक गैसेस से, एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेंट से, ठीक है। दिस विल प्रिवेंट द वेल्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक, ये अभी जैसे बताया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो गया, एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड एक्सटर्नल कंटेमिनेंट्स, ठीक है, कंटेमिनेंट से ये हमें वेल्ड को प्रिवेंट कर देगा, बचा लेगा, ठीक है। और ये क्या करता है, फ्लक्स हमारा स्लैग भी प्रोड्यूस करेगा, ये हमारा स्लैग को भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस द स्लैग, ठीक है। तो स्लैग और प्रोड्यूस करेगा, और क्या क्या फायदे हैं इसकी वजह से, आर्क को स्टेबल बनाएगा, ठीक है। फ्लक्स हमारा आर्क को स्टेबल भी बनाएगा और हमारा एक डीऑक्सीडाइजर की तरह भी काम करेगा, ठीक है। ये एक हमारा डीऑक्सीडाइजर की तरह भी काम करेगा। डीऑक्सीडाइजर मतलब हमारे ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, क्योंकि अगर हमारी ऑक्सीजन हमारे मेटालिक ग्लोब्यूल या मेटालिक वेल्ड में आ गई तो वो हमारे वेल्ड की स्ट्रेंथ को और डक्टिलिटी को डिक्रीज कर सकती है, तो डीऑक्सीडाइजर की तरह भी यहां पर ये काम करेगा। और अगर हमारी ऑक्सीजन यहां से रिमूव गई तो क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रेंथ जो हो जाएगा, स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक है, अल्टीमेटली हमारी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो स्लैग कब बन रहा है, जब हमारा फ्लक्स हमारे मोल्टन मेटल या मेटल के कॉन्टेक्ट में आएगा तो उससे क्या बन जाएगा, स्लैग बन जाएगा। तो जो हमारा फ्लक्स है प्लस थोड़ा सा बेस मेटल है, ठीक है, ये क्या बना देंगे, स्लैग बना देंगे। और स्लैग भी एक तरीके का क्या करेगा, प्रोटेक्टिव ही एनवायरमेंट प्रोवाइड कराएगा हमारे वेल्ड को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहां पर फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड्स। अब यहां पर एक छोटा सा टॉपिक है, वो टॉपिक ये है कि हमारे इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन किन चीजों के बेसिस पे हम करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, हमारे जो हमें इलेक्ट्रोड्स को सेलेक्ट करना है उनके लिए हमें क्या टॉपिक्स देखने पड़ेंगे या उसके लिए हमें क्या कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहला क्या है हमारा, ये है मेटल टाइप, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर क्या है, मेटल टाइप। आप देखोगे कि आपका मेटल कैसा है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना इलेक्ट्रोड यहां पर यूज कर लेंगे। तो सबसे पहला है हमारा मेटल टाइप। सेकंड क्या है हमारा, टाइप ऑफ जॉइंट। दूसरा क्या है, टाइप ऑफ जॉइंट, हमारा जॉइंट किस टाइप का है, ठीक है, बट जॉइंट है, लैप जॉइंट है, ठीक है। देखिए बट जॉइंट और लैप जॉइंट क्या क्या होते हैं, बट लैप जॉइंट का मतलब क्या होता है, इस तरीके से ये एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग होगी, और बट जॉइंट मतलब ये हो जाएगा, तो ये हो गया लैप जॉइंट, सॉरी ये हो गया बट जॉइंट, ये हो गया लैप जॉइंट, ठीक है। बहुत सिंपल है इस तरीके से इमेजिन कर पाना। तो टाइप्स ऑफ जॉइंट क्या क्या हो गए, बट जॉइंट हो गया, लैप जॉइंट हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या है, वेल्डिंग पोजिशन। थर्ड पॉइंट है हमारा वेल्डिंग पोजिशन, हॉरिजॉन्टल करनी है, वर्टिकल करनी है, क्या होगा इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि हमें किस टाइप का इलेक्ट्रोड अपने वेल्डिंग के लिए सेलेक्ट करना है, ठीक है।
ये हो गए हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड. ये हमारा मैं लिख दे रहा हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स के सिलेक्शन के फैक्टर यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किए. अब नेक्स्ट यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स की दो वेल्डिंग है. सबसे पहला है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और दूसरा है MIG मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग. ठीक है देखिए अब हमें यहां पर पढ़ना है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग. तो ये जो हमारी वेल्डिंग है मेनली दो वेल्डिंग की बात करें एक है टिग दूसरी है मिग. ठीक है एक है हमारी टिग दैट इज टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग दूसरी है हमारी मिग मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग. ये हमारी मेनली डेवलप करी गई थी एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लिए. ठीक है एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लिए. एरोस्पेस का मतलब है जहां पर हमारे रॉकेट्स बनाए जाते हैं स्पेस शटल्स बनाए जाते हैं स्पेस लॉन्च व्हीकल्स बनाई जाती हैं वहां पर उनके पार्ट्स की जो वेल्डिंग हमें करनी होती है वहां पर मेनली क्या यूज होता है TIG टिग दैट इज टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और यूज होते हैं हमारी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग. अब कुछ पॉइंट्स आपको इन वेल्डिंग के नाम से ही पता चल जाएगा. देखिए सबसे पहले टंगस्टन है तो टंगस्टन का मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रोड होगा टंगस्टन का जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा ये कैसा इलेक्ट्रोड हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा नॉन कंज्यूमेबल. ठीक है ये हमारा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होने वाला है. क्यों क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है तो उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ आर्क जनरेशन के लिए ही यूज करेंगे. ठीक है उसको हम लोग आर्क जनरेशन के लिए यूज करेंगे. ठीक है दूसरा यहां पर शब्द आ रहा है इनर्ट गैस तो मतलब यहां पर हमारा जो वेल्ड पूल होगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एक इनर्ट गैस का एनवायरमेंट भी देंगे. ठीक है यहां पर क्या होगा इनर्ट गैस टू प्रोटेक्ट द वेल्ड. वेल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर इनर्ट गैस का एनवायरमेंट देना पड़ेगा. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट नो फिलर मटीरियल. कोई भी फिलर मटेरियल यहां पर हम लोग यूज नहीं करेंगे. इसका मतलब है थिकनेस कितनी होनी चाहिए थिकनेस शुड बी लेस देन 5 mm. तो यहां 5 mm थिकनेस से कम वाली चीजों को आपस में वेल्ड करेंगे इसीलिए यहां पर हम लोग कोई भी फिलर मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं. ठीक है तो यहां पर कौन कौन सी गैसेस यूज कर सकते हैं हम लोग हीलियम आर्गन नियॉन एटसेट्रा. ये सारी गैसेस यही गैसेस क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि इनर्ट गैसेस हैं. इनर्ट गैसेस में मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया है कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट और ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करेंगी और रिएक्ट नहीं करेंगी तो डेफिनेटली हमारा कोई भी कंपाउंड नहीं बनाएंगी और वेल्ड बीड में नहीं जाकर डिफ्यूज होंगी. दे विल नॉट डिफ्यूज इन टू द वेल्ड बीड एंड दैट इज वाई वी आर यूजिंग इनर्ट गैसेज लाइक हीलियम आर्गन एंड नियॉन. नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखिए पावर सप्लाई हम लोग ले सकते हैं AC और DC दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं यहां पर पावर सप्लाई लेकिन डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी अगर हम यहां पर यूज करें डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी इसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस होती हैं. ठीक है डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी की अपनी कुछ लिमिटेशंस है. स्ट्रेट पोलैरिटी का मतलब क्या है ऊपर नेगेटिव होगा नीचे पॉजिटिव होगा. ये हमारा इलेक्ट्रोड है ये मेरा वर्कपीस है तो ये वाला अगर हम कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं तो इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस होंगी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के केस में. ठीक है तो यहां पर मेनली क्या होता है वर्कपीस पर ज्यादा हीट जनरेट कराई जाती है. वर्कपीस पर ज्यादा जनरेट हीट करा रहे हैं हीट का जनरेशन ज्यादा है तो यहां पर क्या हो जाएगा मोर पेनेट्रेशन. यहां पर क्या हो जाएगा मोर पेनेट्रेशन पेनेट्रेशन विल बी हाई और डेपोजिशन रेट क्या हो जाएगा भाई आपको इलेक्ट्रोड को तो कंज्यूम करना ही नहीं है तो जब इलेक्ट्रोड को कंज्यूम ही नहीं करना तो डेफिनेटली हमारे पास डेपोजिशन रेट तो कम होना चाहिए. पेनेट्रेशन रेट हाई होगा और पेनेट्रेशन रेट हाई होगा तो मतलब वर्कपीस पर हमारी हीट कितनी जनरेट हो जाएगी 2/3 H और इलेक्ट्रोड पे H/3 हो जाएगी.
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम स्पेशली अगर हम बात करें तो इसकी बहुत वेल्डेबिलिटी पुअर होती है, इसको बहुत आसानी से हम लोग वेल्ड नहीं कर सकते। इट हैज अ पुअर वेल्डेबिलिटी, पुअर वेल्डेबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि जैसे ही इसकी वेल्डिंग हम करना शुरू करेंगे इट विल फॉर्म Al2O3, क्या बना लेगा, एल्यूमिना बना लेगा, इट विल फॉर्म एल्यूमिना, ठीक है। और इस एल्यूमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2O3 इज नियरली 2700 डिग्री सेंटीग्रेड। इस एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 2700 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले 2700 तक जाना पड़ेगा टेम्परेचर तक, तब ये गलेगा, तब ये हटेगा, उसके बाद एल्यूमिनियम वेल्ड हो पाएगा, ठीक है। तो यहां पर यही मेन कारण क्या है, इसी के लिए हम लोगों ने एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के लिए एसी आर्क को यूज करेंगे, ठीक है, एसी आर्क को यूज करेंगे। तो एसी आर्क को यूज करने से यहां पर क्या होगा, एसी आर्क इज यूज्ड, तो एसी आर्क यूज करने से एक बार हीट हमारी वर्कपीस पे जनरेट होगी आधे साइकिल में, और आधे साइकिल में कहां पर जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रोड पर, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हीट जनरेशन, यूनिफॉर्म हीट जनरेशन ऑन इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस, ठीक है, यूनिफॉर्म हीट जनरेशन ऑन इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग को क्या मिल जाएगा, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है हमारे को कैथोडिक क्लीनिंग भी होती रहेगी। कैथोडिक क्लीनिंग मतलब कैथोड जो हमारा है वो एसी की वजह से साफ भी होता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। यही मेन एडवांटेज है हमारा एसी को यूज करने का, क्योंकि आधे में, आधी साइकिल में इलेक्ट्रोड पर हीट जनरेट होगी, हाफ साइकिल में वर्कपीस पर हीट जनरेट होगी, और इसकी वजह से हमारा कैथोड जो है उसका सरफेस भी क्या होता रहता है, क्लीन होता रहेगा, ठीक है, उसका सरफेस भी क्या होता रहेगा, क्लीन होता रहेगा। इसी के लिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैथोडिक क्लीनिंग, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कैथोडिक क्लीनिंग बोल देते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैथोडिक क्लीनिंग। तो इसका डायग्राम हम लोग बना देते हैं, इसका डायग्राम मैं बना देता हूं, ठीक है। तो डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या यूज होगा, यहां पर टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होगा। तो कहीं भी अगर आप टंगस्टन का इलेक्ट्रोड देखें तो हमेशा ये समझ जाएगा वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है, वो एज अ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड ही यूज होगा हमारा, ठीक है, हमारा यहां पर ये नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, ये हो गया। एक तो हमारा वर्कपीस से कनेक्ट करना पड़ेगा, एक हमारा टंगस्टन के इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया मेरे टंगस्टन का इलेक्ट्रोड। और यहां पर मेरा सिलेंडर है, इस सिलेंडर में क्या भरा हुआ है, इस सिलेंडर में मेरा भरा हुआ है हीलियम, नियॉन, आर्गन या फिर हीलियम, और कहां सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, अपने यहां पर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली सारी गैसेस क्या प्रोवाइड करेंगी, एक शील्डिंग एनवायरमेंट, शील्डिंग एनवायरमेंट को प्रोड्यूस करेंगे, और इसके कारण हमारा जो वेल्ड पोर्शन है, जो वेल्ड बीड है, वो हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो यहां पर फिलर मटेरियल नॉर्मली यूज कर भी सकते हैं, अगर थिकनेस 5 mm से ज्यादा हो जाएगी, नहीं होगी तो नॉर्मली नहीं यूज करेंगे हमारा फिलर मटेरियल, ठीक है। ये हो गई मेरी पावर सप्लाई, ये हो गई मेरी पावर सप्लाई। अब इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं, इसके एप्लीकेशंस कहां कहां पर है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया एरोस्पेस इंडस्ट्री, मतलब हमारे जो मिसाइल्स होती हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, शटल्स होते हैं, उनकी वेल्डिंग करने के लिए मेनली हम लोग क्या यूज करते हैं, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। और जो प्रॉब्लम एल्यूमिनियम के साथ है, सेम प्रॉब्लम हमारी मैग्नीशियम के साथ भी है। तो यहां पर मेनली यूज्ड फॉर, ज्यादातर हम लोग इसे मेनली यूज्ड फॉर एल्यूमिनियम, मेनली यूज फॉर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की वेल्डिंग के लिए ही मेनली हम लोग इसे यहां पर यूज करते हैं। और कहां कहां यूज कर लेते हैं, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल
एंड केमिकल इंडस्ट्री में भी इसे हम लोग यूज कर लेंगे, एंड केमिकल इंडस्ट्री में भी इसे हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा पूरा टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के बारे में। अब यहां पर लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन इसका ये है कि हमारी अगर थिकनेस बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, अगर थिकनेस बहुत ज्यादा हो गई तो हम लोग इसे यूज नहीं कर पाएंगे, लार्ज थिकनेस के लिए इसे यूज नहीं कर सकते। तो लिख लेंगे नॉट सूटेबल फॉर लार्ज थिकनेस, ज्यादा थिकनेस अगर हो गई तो उसके लिए हम लोग यहां पर यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब यहां पर एक हमारा फिनोमना है आर्क वेल्डिंग में, मेनली हम इसे पढ़ते हैं, वो है हमारा आर्क ब्लो, ठीक है। क्या है हमारा आर्क ब्लो? तो आर्क ब्लो का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपकी आर्क कॉर्नर पे पहुंचती है, मतलब आर्क यहां पर आएगी थोड़ा कॉर्नर पे, तो ये डिफ्लेक्ट होने लग जाती है, होनी तो चाहिए स्ट्रेट लेकिन क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यही फिनोमेना जिसमें आपकी आर्क क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो जा रही है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, आर्क ब्लो। तो इसको कैसे डिफाइन करूंगा, अनवांटेड डिफ्लेक्शन ऑफ द आर्क, ठीक है, अनवांटेड डिफ्लेक्शन ऑफ द आर्क, ठीक है, यही क्या होता है हमारा आर्क ब्लो। और ये मेनली किसमें होता है, डीसी वेल्डिंग में होता है, ये हमारा मेनली कहां होगा, डीसी वेल्डिंग में ही देखा जाएगा हमारा आर्क ब्लो, ठीक है। आर्क ब्लो की प्रॉब्लम हमारी डीसी वेल्डिंग में ही होती है। तो ये तो हो गया हमारा टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ऑलराइट, ये हो गया मेरा टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। नेक्स्ट यहां पर पढ़ते हैं मिग, MIG, दैट इज मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो ये देखिए, ये डायग्राम है हमारा मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग का, मिग, जिसे कहते हैं MIG। तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में एक तो आपका, क्योंकि इनर्ट गैस आ रहा है, तो मतलब यहां पर हम लोग शील्डिंग के लिए एक इनर्ट गैस को 100% यूज करने वाले हैं, ऑलराइट। तो MIG इनर्ट गैसेस कौन कौन सी यूज कर सकते हैं, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन, ठीक है, ये हम लोग यूज कर लेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोड यहां पर कौन सा यूज होगा, ये यूज होगा हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड। अब सीधी सी बात है, कॉपर इलेक्ट्रोड अगर यूज हो रहा है तो ये हमारा कैसे इलेक्ट्रोड होगा, ये हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगा, मतलब ये हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगा। और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगा, इसका डेफिनेट सा मतलब ये है कि हमारी इलेक्ट्रोड पर हीट को हमें ज्यादा जनरेट कराना पड़ेगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोड जब कंज्यूमेबल है तो वो कंज्यूम कराना है, तो मतलब यहां पर पॉजिटिव होगा, यहां पर नेगेटिव होगा, तो ये कैसी पोलैरिटी हो गई, रिवर्स पोलैरिटी हो गई, ठीक, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स पोलैरिटी। तो रिवर्स पोलैरिटी में हमारा मोर डेपोजिशन मिल जाएगा, ठीक है, यहां पर हमें डेपोजिशन रेट ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को यूज किया है। तो क्या लिख देंगे यहां पर, DCRP, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी को हम लोग यहां पर यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग काफी ज्यादा थिकनेस के मटेरियल्स को भी वेल्ड कर पाएंगे। तो यहां पर लिख लें हाई थिकनेस मटेरियल्स कैन ऑल्सो बी वेल्ड, उनको भी हम लोग यहां पर वेल्ड कर सकते हैं, जो कि हम लोग टंगस्टन इनर्ट गैस में नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये हो गई। अच्छा, यहां पर हम लोग हीलियम और आर्गन तो यूज कर ही रहे हैं, ये हमारी इनर्ट गैसेस हैं, ठीक है, ये हमारी इनर्ट गैसेस हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का यूज क्या है? तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड हियर बिकॉज इट विल स्टे देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये थोड़े ज्यादा टाइम के लिए हमारे वेल्ड पूल के आसपास रहेगा और उसको प्रोटेक्ट करता रहेगा। तो यहां से लिख लें CO2 प्रोवाइड्स शील्डिंग फॉर लॉन्गर टाइम स्पैन, ज्यादा टाइम के लिए हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शील्डिंग एक्शन यहां पर
प्रोवाइड कर देगी, इसलिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक और इसका एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि बिकॉज यहां पर हाई स्पीड वेल्डिंग है, ये हमारी दिस इज अ हाई स्पीड वेल्डिंग है, सो इन केस ऑफ हाई स्पीड वेल्डिंग ये हमारा किसमें यूज हो जाएगा, मास प्रोडक्शन में। ठीक है, दिस कैन बी यूज्ड इन मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का मतलब है जहां पर हम लोग को वॉल्यूम ज्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तो क्योंकि जल्दी जल्दी स्पीड दी है तो जल्दी हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे, और ये चीज आप टिग में नहीं कर सकते, टंगस्टन इनर्ट गैस में ये चीज हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में हम लोग यहां पर ये चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के बारे में। ठीक है, अब यहां पर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मेल्टिंग एंड हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी। नेक्स्ट यहां पर पढ़ेंगे मेल्टिंग एंड हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी। अब देखिए, आपने जितनी भी हीट सप्लाई करी, ठीक है, मान लीजिए आपने 100 जूल सप्लाई करी, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वेल्डिंग में पूरी की पूरी 100 जूल इस्तेमाल हो जाएगी, कुछ वहां पर लॉस भी होगा। तो मान लेते हैं हमने कितनी हीट सप्लाई करी, HS, ये हमारी सप्लाइड हुई। ठीक है, और हमें एक्चुअल कितनी रिक्वायरमेंट हुई, हमें वाकई में रिक्वायरमेंट कितनी है, मान लीजिए ये है हमारी HA, तो लिखेंगे एक्चुअली रिक्वायर्ड। ठीक है, एक्चुअली रिक्वायर्ड, तो यहां पर जितनी हीट सप्लाई हो जाती है होती है वी इंटू आई अपॉन वी इंटू ए। कैपिटल वी क्या है, वोल्टेज। ठीक है, आई क्या है हमारा, करंट। छोटा वी क्या है, स्पीड, किस स्पीड से आप वेल्डिंग कर रहे हैं। ए क्या है, एरिया ऑफ वेल्ड बीड। ठीक है, ये होता है हमारी एरिया ऑफ वेल्ड बीड, वेल्ड बीड का हमारा क्या यहां पर एरिया है। ठीक है, ये किस में लेंगे, मिलीमीटर स्क्वायर में लेंगे। स्पीड किस में ले लेंगे, मिलीमीटर पर सेकंड में ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा, तो सॉरी यहां ये हो गया, हमने इतनी सप्लाई करी, ये हमारी एक्चुअली रिक्वायर्ड हुआ। ठीक है, ये हो गई हमारी एक्चुअल हीट की रिक्वायरमेंट। तो हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी जो होगी, ये क्या होता है, हमारी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट होगी वो सप्लाइड से क्या हो जाती है, हमेशा कम मिलेगी। क्यों कम मिलेगी, क्योंकि कुछ लॉस हो जाएगा, कुछ एनवायरमेंट में चली जाएगी और कुछ मटेरियल में भी हमारे लॉसेस हो जाएंगे। तो NH का मतलब है हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, HA अपॉन HS। अब आपको पता है एफिशिएंसी हमेशा 100% से कम देनी है, हमेशा 100% से कम आएगी, तो हमेशा छोटा अपॉन बड़ा क्वांटिटी लिखनी है यहां पर, तो जाएगा HA अपॉन HS, मतलब हीट एक्चुअली रिक्वायर्ड अपॉन हीट टोटली सप्लाइड। ठीक है, ये हो गया मेरा हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी। अब एक होती है HM, HM क्या होती है, हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग, हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग। ठीक है, कितनी आपको मेल्ट कराने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट हुई, उसे कह देते हैं हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग। ये कितनी हो जाती है, एम इंटू एल, मतलब कुछ तो फेस चेंज कराना पड़ेगा, मेल्ट कराने मतलब कुछ यहां पर फेस चेंज कराना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ यहां पर थोड़ी सी सुपर हीटिंग भी करनी पड़ती है। ठीक है, कुछ यहां पर सुपर हीटिंग भी करनी पड़ेगी, तो ये लिख देंगे सुपर हीट, ये सुपर हीट हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा फेज चेंज। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा फेज चेंज। तो यहां पर हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग क्या हो जाएगी, एच एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल। तो यहां से देखें तो मेल्टिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, मेल्टिंग एफिशिएंसी इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ईटा एम। तो मेल्टिंग एफिशिएंसी हो जाएगी हीट एक्चुअली, एक सेकेंड पूरा मिटा दे रहा हूं मैं यहां पर, यहां पर अगर आप देखें तो हीट जो हो जाएगी मेल्टिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारी, यहां पर मेल्टिंग एफिशिएंसी वुड बी एच एम अपॉन एच ए। ठीक है, एच एम अपॉन एच ए,
इतनी हीट मेल्टिंग के लिए रिक्वायर्ड हुई डिवाइडेड बाय एक्चुअल कितनी सप्लाई करी। तो अगर ये वाला और ये वाले को मल्टीप्लाई कर दें, मेल्टिंग एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय द हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एचएम अपॉन एचए मल्टीप्लाइड बाय एचए अपॉन एचएस, तो एचए और एचए कट गया तो हो जाएगा एचएम अपॉन एचएस, ये है मेल्टिंग एफिशिएंसी इनटू हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी। और आपको पता है एचएस कितना है, हीट कितनी सप्लाइड होगी, वी आई बाई वी ए जूल्स पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, दिस इज जूल्स पर मिलीमीटर क्यूब। तो ये हो गई हमारी मेल्टिंग एफिशिएंसी और हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, ठीक है, मेल्टिंग एफिशिएंसी और हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी। और यहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, और क्या हम लोग ने पढ़ लिया इसके अलावा, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। नेक्स्ट हम लोग यहां पर शुरू करेंगे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहां पर शुरू करेंगे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ठीक है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि हम लोग यहां पर प्लाज्मा की हेल्प लेंगे, ठीक है, और प्लाज्मा जनरेट कराएंगे, और प्लाज्मा का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत 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 ज्यादा होता है, द टेम्परेचर ऑफ प्लाज्मा इज वेरी वेरी हाई। वी विल नाउ स्टार्ट विथ प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ठीक है, वी विल नाउ स्टार्ट विथ दी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का सबसे पहला पॉइंट क्या है, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड। तो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है वो कैसा ही होगा, नॉन कंज्यूमेबल ही होगा हमारा इलेक्ट्रोड, ठीक है। बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट होगा, लगभग 22,000 डिग्री सेंटीग्रेड, कितनी हीट जनरेट होगी, लगभग इतना तक टेम्परेचर पहुंचने वाला है, दिस इज अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर यहां पे जनरेट हो जाएगा। फिर यहां पर क्या करेंगे, इनर्ट गैस को भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इनर्ट गैस का भी इस्तेमाल करेंगे, इनर्ट गैस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द लिक्विड वेल्ड मेटल, लिक्विड वेल्ड मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां से हम लोग इनर्ट गैसेस का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन चीज, किन किन चीजों को हम लोग यहां पर वेल्ड कर सकते हैं, मेनली करेंगे निकल कोबाल्ट मॉलिब्डेनम, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, और स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। सिंस द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इज एक्सट्रीमली हाई, सो वी विल बी यूजिंग ओनली दोज मटेरियल्स विच कैन अंडर विच कैन withstand very high temperature। तो ऐसे ही materials को हम लोग weld करेंगे जो इतनी ज्यादा heat को झेल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर nickel, cobalt, molybdenum, stainless steels को weld करेंगे आपस में, और plasma कहां कैसे supply करेंगे, plasma is supplied through a nozzle, plasma is supplied through a नॉजल, नॉजल की हेल्प से प्लाज्मा को हम लोग सप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स को तो यूज करेंगे ही, और हाई थिकनेस मटेरियल, बहुत ज्यादा जिनकी थिकनेस होगी उनको भी वेल्ड कर देंगे, हाई थिकनेस मटेरियल्स कैन बी वेल्डेड, ठीक है, हाई थिकनेस मटेरियल्स कैन बी वेल्डेड, बहुत हाई थिकनेस जिनकी होगी उसको भी हम लोग यहां पर वेल्ड आराम से कर देंगे। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। आई होप कि स्पीड मेरी बहुत तेज नहीं है, मैं बहुत धीरे ही चल रहा हूं यहां पर, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जिनका टेक्निकल बहुत टाइम बाद वो पढ़ रहे होंगे, तो कुछ कुछ दिक्कतें आ जाती हैं बीच बीच में, बट स्टिल हम लोग यहां पर पूरी चीजें कवर करने वाले हैं, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो का भी लाइक टारगेट मैंने
300 लाइक्स का रखा है, डेफिनेटली होप कि आप लोग कवर कर दोगे। 300 लाइक्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप सब लोगों के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है दैट इज सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करते रहिए, पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए, और अपने सामने जो लाल बटन नीचे दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी अगर इंपॉर्टेंट अपडेट होता है तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच।